स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका की नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसके अंदर हम लास्ट सम करने वाले हैं आज, और टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें क्या करना है, इसमें सीखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है। फिलहाल जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 41, इसके अंदर हमें यह देखना है कि कैपिटल में जो पार्टनर हैं ए बी और सी, इन्होंने कैपिटल चेंजेस किए हैं। इन्होंने जो कैपिटल चेंजेस किए हैं उनके हम प्रोडक्ट बना लेंगे। प्रोडक्ट बनाने के बाद वहां से निकालेंगे इफेक्टिव कैपिटल रेशियो, और फिर जो फर्म का लाभ है 23,750 रुपए का, इस फर्म के लाभ को हम इन्हीं इफेक्टिव रेशियो में 30, 40 और 41 के अंदर डिवाइड कर देंगे। 30, 20 और 41 के अंदर जो है हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए आइए हम सीखते हैं कि ए बी सी ने चेंजेस किस प्रकार से करे हैं। जो ए नाम का पार्टनर है, इसने 50,000 रुपए की कैपिटल शुरू में लगाई और पूरा साल इसमें कोई चेंज नहीं किया, यानी कि 12 के 12 मंथ इसकी कैपिटल लगी रही। तो इसकी कैपिटल का जो प्रोडक्ट है, जी हाँ, जब कैपिटल में चेंजेस होते हैं तो प्रोडक्ट मेथड से हमें इसके इफेक्टिव कैपिटल रेशो निकालने होते हैं, उसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लाभों को बांटना होता है। या जो फिर इसका इंटरेस्ट है वो जो हम बनाएंगे वो बांटेंगे। और 50,000 की जो कैपिटल है वो 12 मंथ सब लगी रही, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट निकलता है 6,00,000 रुपए। क्या करेंगे, इस अमाउंट से इस 12 मंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा 6,00,000। बी है 40,000 रुपए की कैपिटल लगाता है, 4 मंथ तक ये कैपिटल उसकी स्टे रहती है, उसके बाद वो अपनी कैपिटल को बढ़ा देता है, 46,000 कर देता है 9 मंथ के एंड तक। तो इसका मतलब है 5 महीने उसकी कैपिटल रहती है कितनी, 46,000। उसके बाद लास्ट में 16,000 रुपये 9 मंथ के एंड में वो निकाल लेता है। तो फिर जब 16,000 निकाल लेगा 9 मंथ के एंड में, 9 मंथ यहाँ पूरे हो चुके हैं, उसके बाद 16 निकाल लेगा तो रह जाएगी कैपिटल 36,000 रुपये, और मंथ रह जाएंगे उसके पास 3, क्योंकि टोटल महीने हैं हमारे पास साल में 12। 40,000 की कैपिटल 4 महीने के लिए, प्रोडक्ट आएगा 1,00,000। 46,000 की कैपिटल 9 मंथ के एंड तक, यानी कि अगले 5 महीनों के लिए, 40×5 ये आएगा प्रोडक्ट 230। और लास्ट में जो 16,000 निकालने के बाद कैपिटल 30 आई थी वो 3 मंथ रहेगी, टोटल मंथ होती है 12, 30×3 90। तो टोटल बी का जो आपका प्रोडक्ट है वो है 480। अब मेरे बच्चे बारी आती है सी की। सी की कैपिटल कितनी है, सी की कैपिटल पहले लगी रहती है 5 महीने के लिए, वो हो जाएगा प्रोडक्ट 4,00,000 का, और फिर वो 20,000 रुपये निकाल लेता है और अपने कैपिटल को कर देता है 60। बचे हुए मंथ कितने हैं, 7, 60×7 यानी कि 60,000×7 4,20,000, और टोटल जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है वो 8,20,000 बन रहा है। अब जो इफेक्टिव कैपिटल है मेरे बच्चों, वो इफेक्टिव कैपिटल ए बी सी की निकालनी है। ए का जो प्रोडक्ट है वो 6,00,000 है, बी का प्रोडक्ट 4,80,000 है, और सी का प्रोडक्ट 8,80,000 है। इसे काट कर जीरोज को काट दीजिए पहले, और फिर इसे टेबल पर काट कर जो हमारे इफेक्टिव कैपिटल रेशो निकलते हैं वो निकलते हैं 30, 20 एंड 41। स्टूडेंट्स, जो हमारा इफेक्टिव कैपिटल रेशो था वो हमारा था 40, 24 और 41। मैं गलती से वहाँ 20 बोल गया था, लेकिन वो है 30, 24 और 41। कितना है वो, 30, 24 और 41। अब जो कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, तो जो ये प्रॉफिट है ये हमने इफेक्टिव कैपिटल रेशियो के अंदर जो है वो बांट देना है, क्योंकि यही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इफेक्टिव कैपिटल रेशियो ही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मेरे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शेयरिंग रेशियो। तो इसमें बांट देंगे हम, कैसे आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए को क्या मिलेगा, इस 23,750 का 30/30, 324, 54 और 1, 55 और 40, 95 सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7,500 रुपये। 23,750 का अगर हम सोल्व करें 24/95, 30, 24, 54 और 1, 55, 95 ये आएगा 6,000 रुपये। 23,750 का फिर आएगा 41/95, ये आएगा 10,250। ये बेटा प्रॉफिट डिवीजन हो गया जो मैंने लिख दिया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन एंड है।